हमारी बात किस समय की है? बताते हैं जिस समय कौन के जम्मल उस चिट्ठी के द्वारा बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है अकबर के। चुगलखोर चुगली करे से रुकिया नहीं करता, और सुंदर बाई के नाम से जब वहां जाकर चलता है, जम्मल कहता है भाई अकबर साहब इस बात का जवाब मैं यहां नहीं दे सकता, कौर एक बार मेरे को डेरे में जान दे, अपने भाई से सलाह करूंगा। नैनो में नीर गुस्से में भर जाता है, जब आवाज लगाता है उस फतेह सिंह को, फतेह सिंह सोया हुआ था, बताते हैं रे फतेह सिंह के हाँ भाई अगर चारा कर दिया उस बेईमान ने के अगर सुंदर बाई का डोला मांग लिया, इतना जोश फतेह सिंह माँ बताते हैं कि पलंग की दोनों बाही टूट जाती है। नौकन लगा भाई जमाल के हाँ एक कापी पेन ले और मैं बोलता हूं और तू लिख एक चिट्ठी लिख उस हरामजादे को। क्या रजपूत जात के समझे ना इंसान तने सम्मान करते हैं, धन्यवाद अकबर को। धिक्कारता चिट्ठी में लगते हैं पहले नंबर पर, कैसे क्या साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। हेलो हेलो एरिलीड आदरणीय मास्टर जी प्रदीप लोहान साहब, हेलो
सर्व से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छी तरज, बहुत अच्छी बात। हमारे आदरणीय कलाकार, मेहमान कलाकार, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रेमी सजनों, हमारी बात कहां से है? एक बार नारद जी आ जाते हैं मृतलोक में, कहां राजा उद्यान पात के यहां। रानी सुनीति बड़ी चिंता में बैठी हुई, नारद जी उदासी का कारण पूछते कि हे बेटी क्या बात है? के नारद जी, मैं रोऊं सुरंग महल में, मेरे हुई नहीं संतान, पियाजी की अगत बेल चले, मेरे क्यों रूस गए अविनाशी, मेरे दी घाल राम जी ने फांसी, रहे सो सो दासी टहल में, मेरे लांब तेरा ज्ञान, कालजे मत दुख की सेल चले। कि बेटी बात क्या? कि नारद जी, आपको सब बातों का पता है तो ठीक है, एक बात बताते हैं। क्या? तेरे पति का ब्याह करवा दे, जब अगत बेल चलेगी थारे, तेरे भी एक लड़का हो, जब राजा शादी करे दोबारे। सांगी ओरिसा गाया ना, गया हाथ ते बखत ठाया ना, कह लक्ष्मी चंद मने पाया ना, मांगे राम ने ढूंढ्या सारे, तेरे भी जब लड़का होगा वो राजा शादी करे दोबारे। कि हे बेटी, ये जो समय होता है ना, ये जो हाथ से निकल जाता है फिर दोबारा नहीं आता, और यही मौका है। तू अपनी छोटी बहन का डोला तेरे पति का ला दे, फिर तेरा भी लड़का होगा और उसका भी एक लड़का होगा, दो पुत्र होंगे। ये बात बता करके नारद जी वापस चले जाते हैं, और बाद में राजा महलों में आते हैं। राजा ने देखा कि रानी उदासी में बैठी है, क्या बात है? जिस समय हम राज दरबारों से आ करते, आप बड़ा स्वागत करा करती हमारा हंसी खुशी से, लेकिन आज इतनी उदासी, क्या बात? किसे रानी ने, किसे बंदी ने, किसे दासी ने कुछ कह दिया हो, क्या बात है? उदासी का कारण पूछते और राजा उद्यानपाद क्या कहते हैं, क्या बात है? लक्ष्य दूध की डायरी,
लक्ष्य का बुद्ध भाई नारनूम से भूख 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। मास्टर प्रदीप सिंह लोहान जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद क्या बता पहली बात में। पार्टी का सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद कुलदीप लोहान साहब बॉम्बे 100 रुपए से पार्टियों का सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद किनाला गांव से मेरे भाई अमित कुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। सुभाष डीपी साहब 100 रुपए से सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद बहुत ही अजीब पवन लोहान जी मेरे बड़े भाई रमेश के शिष्य हैं। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद क्या कहा नंबर 2 को से भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप लोहान साहब बॉम्बे से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद ओ पल पल के Oh,
हूँ पावड़ा से आनंद शर्मा जी, 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरे भाई अनिल कुमार रिवासा से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सम्मान करते हैं धन्यवाद। ये मधुर बहनी से मेरे भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं धन्यवाद है, धन्यवाद।
आदरणीय काला पुराण से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। आने वाले आके, आने वाले आके, आने वाले आके, आने वाले आके, थल की थल खाने वाले आके, चूड़िया थल की थल खाने वाले आके। आदरणीय भाई कैप्टन धीरज साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय कुलदीप जी लोहान साहब बहुत इनाम पहले दिया, 100 रुपए से फिर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। चक्कर रो लिया, कह मांगे रा